श्रावस्ती यूपी के विधायक राम पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा केंद्र सरकार की योजना और संगठन के दम पर चुनाव मैदान में जाएगी और जिले की सातों सीटों में अपना परचम फहराएगी। उन्होंने दावा किया कि जहां तक बात विधानसभा क्षेत्र रैगांव की है तो इस बार यहां कमल हर हाल में खिलेगा। भाजपा विधायक ने कहा कि जिले में जमीनी स्तर पर संगठन का काम हुआ है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं को सरकार पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संगठन सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका बखूबी निर्वहन कर रहा है। गौरतलब है कि श्री पांडे को संगठन ने प्रवासी विधायक के तौर पर भेजा है, जिन्हें सतना जिले के रैगांव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अपने कामों की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा टिकट देने का काम संगठन का है, मेरा काम फीडबैक देना है। पांडे ने कहा कि रैगांव में एक बार फिर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में से 7 दावेदार थे जो अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अब वे एक मंच पर आ गए और बीजेपी को जिताने के लिए संकल्पित है। क्षेत्र का आपको प्रभार मिला है, 7 दिनों की आपकी एक यात्रा रही, क्या कैसा आपने वहाँ पर महसूस किया, क्या गतिविधियाँ रही, क्या है भाजपा का माहौल? मैं आज 7वां दिन है, 7 दिन में जो मैंने देखा, अब हम क्या वर्णन करें, मेरे शब्द कोई मुँह में नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो गांव के सरपंच हैं, चाहे पूर्व सरपंच हैं, चाहे जिला पंचायत के हैं, चाहे जिला सदस्य हैं, उन लोगों के बीच में गया, उनकी मनोभावना से हमको साफ परिलक्षित हो रहा है कि रैगांव से इस बार भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। लगता है दावेदार हैं, ज्यादा हैं, सब दावेदार एकजुट हो जाएंगे क्या? मैंने अभी आपसे बता दिया एक लाइन में, मेरे साथ इसमें 4-5 दावेदार खड़े हैं। इन सब लोगों ने मंच से ऐलान कर दिया कि जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ेगा, मुझको मिलेगा मैं लड़ूंगा, और नहीं मिलेगा जिसको मिलेगा मैं लड़ाऊंगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें नहीं लगता कि इनके कथनी और करनी में कोई फर्क होगा। इन्होंने मंच से घोषणा किया है, हर मंचों से घोषणा किया है। तो और जो सबसे बड़ा हमें देखने को मिला कि सभी प्रत्याशी एक दूसरे के यहाँ मेरे साथ भोजन या नाश्ता पर बराबर सहभागी बने हैं, भाईचारे के रूप में अपने आप को ये प्रदर्शित किए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।